हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जो हार्ट फेलियर में एक्सरसाइज संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो कॉमन सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं उनको हम आज आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर किया था, आज उनको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सवालों को आंसर करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है या कूल डाउन करना ज़रूरी है और कितना टाइम करना चाहिए। ज़्यादातर आपको हार्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और कोई मसल इंजुरी बहुत ज़्यादा ना हो, इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का वार्मिंग अप और कूल डाउन करना चाहिए। इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा रनिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत हैवी या विग्रेस एक्सरसाइज करने से पहले आप अगर बॉडी को थोड़ा गर्म करने का और ठंडा करने का टाइम देंगे तो एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और बॉडी को इंजरी होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। अगला चीज़ हमको पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज हम एक्सट्रीम वेदर्स में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी में आप कर सकते हैं। यूजली हार्ट पेशेंट्स को ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि लंबी एक्सरसाइज और विग्रेस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी में नहीं करना चाहिए। इससे पर ओवर स्ट्रेन पड़ता है जो कि रेगुलर पेशेंट्स के लिए भी उतना अच्छा नहीं रहता, हार्ट पेशेंट्स के लिए तो उल्टा थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। कई बार आपको प्रोटेक्ट करना बॉडी को उस एक्सट्रीम टेम्परेचर से ज़रूरी है। बॉडी को ओवर हीट या ओवर कूल होने मत दीजिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रॉपर अच्छे कपड़े पहन के बॉडी को गर्मी या ठंडी से प्रोटेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा और प्रॉब्लम होने का चांस कम रहेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है या स्टेंट लगाए तो क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ और कितने दिन बाद कर सकता हूँ। यूजली अगर आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या स्टेंट हुआ है तो बाईपास सर्जरी के बाद आपको धीरे धीरे करके वॉकिंग रनिंग से चालू करना पड़ेगा और उसको एक आध महीने के बाद चालू कर सकते हैं। स्टेंट लगने के 5-7 दिन में भी आप एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे पहले वॉकिंग करिए, उसके बाद उसको बढ़ाइए, जितना आपकी ओवरऑल फिटनेस है उस हिसाब से आप बढ़ाइए। यदि ये ऑपरेशन या स्टेंट आपका किसी हार्ट अटैक के बाद हुआ है तो थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। और यदि आपको हार्ट अटैक नहीं था, सिंपल आप जाके हॉस्पिटल आपने प्लास्टिक करवाया, ट्रीटमेंट कराया, तो फिर आप थोड़ा जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ चालू कर सकते हो, ऑफिस भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उतना दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन का क्या पर्पज़ है और इसको करना चाहिए कि नहीं। यूजली किसी भी व्यक्ति का कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, कोई स्टेंट डला है या किसी भी तरह की सर्जरी हुई है तो वैसे व्यक्ति को रिहैबिलिटेशन करना मतलब उसको पूरी तरह से अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए प्रेरित करना, उसकी लाइफस्टाइल से लेके उसके एक्सरसाइज लेके उसके खाने पीने का, उसकी दवाइयों का, सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो पेशेंट्स प्रॉपरली जिनको रिहैबिलिटेट किया जाता है उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेटर रहता है, उनको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको रिहैबिलिटेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए हर हार्ट पेशेंट को जिनकी कोई भी सर्जरी हुई है या जिनका रिसेंटली हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हुआ है उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और सही तरह से सही एक्सपर्ट के पास ही होना चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मैं करूँ जिससे मैं मोटिवेटेड रह सकता हूँ कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँ। यूजली हार्ट पेशेंट्स के लिए खुद को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप खुद के लिए हेल्थ रिलेटेड कोई गोल सेट करें, खुद के लिए कोई टारगेट्स अचीव करें, खुद से पॉजिटिव बातें करिए, अच्छे फ्रेंड्स से बात करिए जो आपको मोटिवेट करें, अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ एक्सरसाइज करिए, अच्छे जिम ट्रेनर्स के साथ एक्सरसाइज करिए जो आपको इनकरेज करें। तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी और जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन होगा कि आप और एक्सरसाइज करें या उसको इम्प्रूवाइज करें। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो आपकी बॉडी में या आपकी लाइफ में आते हैं वो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करते हैं। जितना ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स आएंगे, लोग आपको गालियाँ देंगे, आपको ताने देंगे, आपको तिरस्कार करेंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे, तो आपको मन में नेगेटिविटी क्रिएट होगी, डिप्रेशन क्रिएट होगा और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि मुझे जॉइंट का प्रॉब्लम है और मेरी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वैसे केस में क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्या वैसे केस में एक्सरसाइज करना परमिसिबल है। यूजली अगर जॉइंट का प्रॉब्लम भी है तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बस शर्त है आपको किसी जॉइंट स्पेशलिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को समझ सकता है और आपको गाइड कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए कौन से तरह की एक्सरसाइज आपकी बॉडी को सूट करेगा और आपकी जॉइंट्स के लिए सेफ है
वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आपको घुटने का प्रॉब्लम है और आप दौड़ना चालू कर दोगे तो घुटना खराब हो जाएगा, आपको हाथ का प्रॉब्लम है और डंबल उठाना चालू कर दोगे तो हाथ खराब हो जाएगा। तो इस तरह से गलतियाँ आप करोगे तो प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाएगा। किसी अच्छे ट्रेनर के साथ मिलिए या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलिए और वो आपको सिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर जॉइंट के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आप ट्रेनिंग लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। या वो ना भी कर सके तो किसी दूसरे तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, मान लीजिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कपालभाति है, सूर्य नमस्कार है, वैसी चीज़ें जो उस पर्टिकुलर जॉइंट को प्रॉब्लम ना करे, वैसी चीज़ें आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहे। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी है तो वैसे केस में वो एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं, और या उसके लिए सेफ है या नहीं। यूजली आपको अगर प्रेगनेंसी है और आपको एक्सरसाइज करना है तो वो अगर फिजिकल फिटनेस अच्छी है और एक्सरसाइज करने में सांस नहीं फूल रही है या आपको पाँव में सूजन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस कोई पेशेंट को वाल्व का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हार्ट के छेद वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हार्ट फेलियर का बहुत प्रॉब्लम हो, वैसा कोई बहुत सीवियर अगर इशू हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। पर ज़्यादातर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस अपनी लिमिट्स में करें और बहुत ओवर एग्जर्ट नहीं करें, धीरे धीरे करके अपनी स्टैमिना को बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि लोग जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हैं, चाहे एंटी प्लेटलेट या एंटी कोएगुलेंट मेडिसिंस पे है, क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और उनको क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। यूजली अगर कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे तो वो एक्सरसाइज कर सकता है, बशर्ते वो ये सावधानी रखे कि चोट उसको ना लगे, क्योंकि अगर उसको चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे व्यक्ति को थोड़ा ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज करने के दौरान वो प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करे, कोई इंजरीज से खुद को बचाए और कोई भी तरह का एक्सरसाइज करने के समय कहीं गिर जाए या कहीं चोट लग जाए या कोई चीज़ से उसको मार लग जाए, वैसी चीज़ों से अपने आप को बचाए, नहीं तो ब्लीडिंग कई बार अनकंट्रोलेबली हो सकती है जिसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो वैसा व्यक्ति इस मामले में थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखे तो ज़्यादा अच्छा है, पर अदरवाइज वैसे व्यक्ति के लिए मना नहीं है, पर अगर कोई ब्लीडिंग अगर होती है या ऐसा प्रॉब्लम या ऐसी इंजुरी होती है तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखना पड़ेगा या एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या कोई आइडियल टाइम है एक्सरसाइज करने का, क्या सुबह के टाइम या रात के टाइम या खाने के बाद या खाने से पहले एक्सरसाइज करना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। यूजली ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप जो भी तरह का टाइम आपको सूटेबल लगे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह अच्छा लगता है तो सुबह, रात को अच्छा लगता है रात को, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम दें, जितना ज़्यादा अग्रेसिवली या विग्रेसली एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना हेल्थ बिल्डअप होगी। आप एक तरह का पैटर्न सबके लिए अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कोई व्यक्ति को अगर सुबह अच्छा लगता है तो सुबह जाए, शाम को अच्छा लगता है शाम को जाए, बशर्ते वो रेगुलर एक्सरसाइज करे और मिस ना करे तो उसके लिए अच्छा है। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड करके एक्सरसाइज करना है तो वो भी चलेगा, आप आधा घंटा सुबह करें, आधा घंटा दोपहर को करें, आधा घंटा रात को करें तो भी चलेगा, पर एक्सरसाइज करने से चूके नहीं, जो टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है वो अच्छा है। हार्ट पेशेंट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ना टाइम का प्रिडिलेक्शन है और ना ही ऐसा कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा कि खाना खाने के पहले या बाद में कर रहे हैं, बस ये कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस कई बार लोग को आ जाता है तो कर नहीं पाते हैं, वो एक थोड़ा सा इशू है, पर अदरवाइज़ ज़्यादातर अगर आप टाइम को कभी भी मैनेज करें तो चलेगा। अगला क्वेश्चन लोग आपसे पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम के अलावा, तो वैसे लोगों को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे लोगों के लिए भी देखिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होता है, जैसे डायबिटीज़ वालों को डायबिटिक फूड का प्रॉब्लम होता है वो बड़ा इशू होता है, ब्लड प्रेशर वालों को थोड़ा ये दिक्कत होती है कि बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो गया तो प्रॉब्लम है, किडनी वाले पेशेंट को थोड़ा एलर्जीज और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और साथ में बीपी और शुगर का प्रॉब्लम भी कई बार रहता है तो उनको इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो आपकी पर्टिकुलर बीमारी है उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर इशूज़ है आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि उसमें प्रॉब्लम होगा या नहीं, और अगर माइनर प्रॉब्लम है तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीवियर प्रॉब्लम है कि जैसे सीवियर किडनी फेलियर है या सीवियर डायबिटीज़ है या सीवियर हाइपरटेंशन है एडवांस स्टेज में, तो फिर आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उससे परमिशन लेके फिर ही एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो प्रिकॉशंस का आपको बताया जाता है उसको ध्यान में रख के एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाए। लास्ट क्वेश्चन जो हम आज लेंगे वो ये है कि क्या कोई फिटनेस ट्रेसिंग डिवाइस या ट्रैकिंग डिवाइस देखने से या कोई ऐप्स का प्रयोग करने से आपके एक्सरसाइज में फ़ायदा मिलेगा। यूजली फिटनेस ट्रैकर और ऐप्स आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में मदद करते हैं, आप एक्सरसाइज में इंप्रूव कर रहे हो कि डिटोरिएट कर रहे हो ये जानने में मदद करते हैं, और आपकी ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करते हैं, एक एंथुजियाज्म आपके माइंड में लाते हैं, बाकी तरह से फिटनेस पर ध्यान देने पर आपको प्रेरित करते हैं कि आप बाकी खाने पीने का और सारी चीज़ों का भी ध्यान दे पाओ, उसके लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। तो ये फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस काफ़ी यूजफुल है अगर इनका आप प्रयोग करते हो, थोड़ा सा कॉस्ट तो बढ़ जाता है डेफिनेटली,
लेकिन अगर अच्छा तरह का कोई डिवाइस है, आप कोई आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी है और यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ ना कुछ आपको ये फ़ायदा करेगा, बशर्ते आप उसका कॉस्ट अफोर्ड कर सको तो उसको मैनेज करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, कुछ और सवाल आपके आंसर हुए होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।